अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अज़ीज़ तुलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं सातवीं जमात का रियाजी मज़मून मैथ सब्जेक्ट का सबक नंबर 12 अहाता और रकबा, जिसका प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 8 लेकर हम हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 8 जो है ये सबक नंबर 12 अहाता और रकबा का सबसे आखिरी लेक्चर है और आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हमारा सबक नंबर जो है 12 जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो है मशकी सवालात नंबर 48 का जो 48 नंबर सवाल है मशकी सेट, उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि मकब के ज़िले की लंबाई ज़ैल के मुताबिक दी हुई हो तो रकबा मालूम करो। रकबा क्या करना, हमको मालूम करना है कि एक मकब जो है, समझ लीजिए मकब मैंने बनाया यहाँ पर, ये मकब है, ठीक है, ये मकब इस तरह से मकब बना हुआ है, तो उसके 3 सम लंबाई दी हुई है, तो हमको क्या करना है, उसका रकबा निकालना है। तो हमको पता है कि मकब की जो सतह का रकबा है उसका फार्मूला क्या है कि 6 ज़रब ज़िला स्क्वायर, ठीक है, 6 ज़रब ज़िला स्क्वायर। अब 3 सम यहाँ दी हुई है तो 6 ज़रब ज़िला 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 को 9 से ज़रब देंगे तो 6 नाम 54, 54 मुरब्बा सम हमारा जवाब होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, 54 मुरब्बा सम जो है ये हमारा जवाब होगा। उसके बाद दूसरा देखेंगे, 5 सम दी हुई है तो हमको पता है कि मुरब्बा मकब की सतह का रकबे का फार्मूला क्या है, 6 ज़रब ज़िला स्क्वायर, 6 ज़रब ज़िला स्क्वायर। तो 6 ज़रब ज़िला कितना दिए हुए, 5 सम दिए हुए, 5 का स्क्वायर ले लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 6 को 25 ज़रब देंगे हम, 6 ज़रब 25, तो हमको जवाब मिलेगा 25 150 मुरब्बा सम। बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सिर्फ हमको जो है जाप्ते में जो है फॉर्मूले में वैल्यू को रखना, कीमत को रखना, उसको हल करना, सॉल्व करना है बस। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है, समझो पॉइंट में दिया हुआ तो मालूम करेंगे, इसको देखेंगे तो वही है, मुरब्बे मकब की सतह का रकबा बराबर 6 ज़रब ज़िला स्क्वायर, ज़िला स्क्वायर, ठीक है, तो 6 ज़रब 7.2 का मुरब्बा, 7.2 का मुरब्बा, ठीक है, 7.2 का मुरब्बा लेंगे प्यारे बच्चों हम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे, फिसागोरस के मसले में ये ट्रिक बहुत आपको यानी काम आएगी। कि अगर 2 इंदिशदत का मुरब्बा हमको मालूम करना है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आशारिया नहीं है, है ना, आशारिया यहाँ पर, तो हमको 72 का मुरब्बा मालूम करना है। बहुत इजी ट्रिक है प्यारे बच्चों, 1 से लेके 99 तक अगर आपको मुरब्बा याद नहीं है तो इस ट्रिक के ज़रिए से आप मुरब्बा निकाल सकते हैं, 2 इंदिशी अदद का मुरब्बा आप आसानी के ज़रिए से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, गौर करेंगे, यहाँ पर 72 दिया हो तो 72 में पहले यहाँ पर 7 है तो हम 7 का मुरब्बा लिख देंगे, कितना हो जाएगा 49। 2 है 2 का मुरब्बा कितना होता है, 4 होता है, लेकिन 4 सिंगल है तो हमको उसको डबल में लिखना है, 04 लिख देंगे, ठीक है, 04 लिख देंगे उसको, 04 लिख देंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मुरब्बा दिया हुआ है ना, तो 7 को 2 से ज़रब देंगे, 7 दूनी 14, 14 का डबल कर देंगे, 14 दूनी 28, तो 1 छोड़कर 28 लिख देंगे, 1 छोड़कर 28 लिख देंगे, ठीक है। अब इनकी जमा कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 और 2 11 और 1 इधर आ जाएगा हासिल का, ये 5, 51 84। अब यहाँ 7 आश्चर्य 7 को हम 7 आश्चर्य 7 से ज़रब दिए तो 2 के बाद आश्चर्य लगेंगे तो 51.4 51.84। और जब इसको हम ज़रब करेंगे, तो हमको जवाब मिलेगा 311.04, हमारा जवाब रहेगा 311.04 मुरब्बा सम, ठीक है, मुरब्बा सम। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको यहाँ पर जो है 2 हिंदी से अदद का मुरब्बा किस किस तरह से निकालते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से हमने आपको बताया यहाँ पर, बहुत बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है और आपको बहुत आगे काम आएंगी कि 2 हिंदी से अदद का मुरब्बा किस तरह से निकालते हैं, 2 हिंदी से अदद का मुरब्बा किस तरह से निकालते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम जो आगे सवाल नंबर 2 देखेंगे,
सवाल नंबर दो कि मकब नुमा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज़ैल में दी हुई है, इस बिना पर कुल सतह का रकबा मालूम करो। कुल सतह का रकबा, तो मकब नुमा, मकब नुमा मैंने आपको बताया कि मकब नुमा की सतह जो है मुस्ततील के जैसी रहेंगे, जब भी हम उसको मकब नुमा कहेंगे, जब भी हम उसको क्यूबाइड कहेंगे, ठीक है। तो उसका फार्मूला हमको पता है, फार्मूला हमको पता है, इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि मकब नुमा की कुल सतह का रकबे का फार्मूला क्या है कि 2 ज़र्ब लंबाई ज़र्ब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़र्ब लंबाई, ठीक है। ये उसका फार्मूला है, उसका फार्मूला है। यहाँ दोनों मिसालें हम यहाँ पर देंगे। अब सम यहाँ पर दिया हुआ है, सम जो यहाँ पर दिया हुआ है मकब नुमा की कुल सतह का रकबा, यहाँ पर जगह का मत मैंने लिखा नहीं, तो मकब नुमा कुल सतह का रकबे का फार्मूला, ये इसके पहले लेक्चर में इसको पढ़ा है, इसको समझा, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत आपको जल्दी में और जिसको बोलेंगे जगह की कमी होने की वजह से आपको इस तरह लिखकर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब पहला जो दिया हुआ है यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दी हुई है, तो दो लंबाई कितनी है 1500 है, ठीक है, 1500 ज़र्ब 10 जमा ये ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई एल बी और एच, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब चौड़ाई कितनी है 10 है, ऊंचाई कितनी है 5 है, जमा ऊंचाई कितनी है 5 है, ज़र्ब लंबाई कितनी है 15 है। इस तरह से पहले हम ये हल कर लेंगे, फिर उसके बाद ये दूसरे नंबर की हल करेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा रफ़ करके फिर है साफ़ करके फिर उसको दो नंबर की हल करेंगे, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम पड़ रही है, यहाँ पर इतने ये दूसरी मिसाल यहाँ पर आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 15 को 10 से ज़र्ब देंगे तो 150 जवाब आएगा, 15 दाए 150 जमा 10 को 5 से ज़र्ब देंगे 50 जवाब आएगा, जमा 15 को 5 से ज़र्ब देंगे 75 जवाब आएगा, ठीक है। अब इसकी जमा करेंगे, ये 150 में 50 मिलेंगे 200 275 2 ज़र्ब 275 बराबर हमको जवाब मिलेगा, 275 को हम 2 से ज़र्ब देंगे तो हमको जवाब मिलेगा 550, ठीक है, 550 मुरब्बा सम, 550 मुरब्बा सम। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला याद रखना है, बस फार्मूले के अंदर वैल्यू को रखना है, वैल्यू को हम कीमत को रखना है, कीमत को रखने के बाद उसको हल करेंगे, हल करने के बाद हमको जवाब आसानी के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। पहले बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 5 सम दिया हुआ है, 3 आश्चर्य 5 सम दिया हुआ है और 1 आश्चर्य 4 सम दिया हुआ है। लंबाई जो 5 सम है, चौड़ाई जो 3 आश्चर्य 5 सम है और ऊंचाई जो 1 आश्चर्य 4 सम है, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, फार्मूला हमारा वही रहेगा। फार्मूले हमको कीमत रखना है, 2 लंबाई कितनी है 5, ज़र्ब चौड़ाई कितनी है 3.5 जमा चौड़ाई कितनी है 3.5 ज़र्ब ऊंचाई कितनी है 1.4 जमा ऊंचाई कितनी है 1.4 ज़र्ब लंबाई कितनी है 5, ठीक है। ये हमने दी हुई कीमत को फार्मूले में रख दिया, जाब्ते में रख दिया, ये जाब्ते है मकब नुमा कुल सतह का रकबे का जाब्ते ही है कि 2 cos में लंबाई ज़र्ब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़र्ब लंबाई, ये जो मकब नुमा कुल सतह का रकबा। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमको समझना है कि यहाँ पर आचार्य नहीं है, ठीक है, 5 5 25 के 5 आश्चर्य 2 5 15 2 17, ठीक है, एक के बाद आचार्य एक के बाद आचार्य लगा देंगे जमा। अब 3 आश्चर्य 5 को ज़र्ब करेंगे हम 1 आश्चर्य 4 से, ठीक है, तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं, बिगर हमको समझना है यहाँ पे कि आचार्य नहीं है, ठीक है। तो 14 5 70 70 के 0 हासिल है 7 14 3 42 और 7 49, ठीक है, 49 तो 1 2 2 के बाद आचार्य 2 के बाद आचार्य लगा देंगे तो 4 आश्चर्य 9, ठीक है, 4 आश्चर्य 9 जवाब आएगा, 4 आश्चर्य 9 जवाब आएगा हमारा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद में जमा करेंगे हम 1 आश्चर्य 4 को हम 5 से ज़र्ब देंगे 14 5 70 70 आएगा तो एक के बाद आश्चर्य एक के बाद आश्चर्य लगा देंगे 7 तो ये 7 मिलेंगे हमको, ठीक है, 7 मिलेंगे हमको ये। अब इसकी जमा कर लेंगे हम, इसके क्या करेंगे हम जमा करेंगे इसके हम क्या करेंगे जमा करेंगे तो जमा करने के बाद हमको जो जवाब मिल रहा है वो मिल रहा है 29.4, ठीक है, 2 ज़र्ब 29.4 ये 70 में 4 मिलेंगे 21
और 9, 5, 14, 22 और 7, 29, 29.4 बराबर आ रहे हैं। 29.4 जो है वो हमारा ये जमा करने के बाद आ रहे हैं। अब 29.4 को हम जो 2 से ज़र्ब कर देंगे, 2 चौक 8, 2 9 18 के 8 हासिल आया, 1, 2, 2 4 और 1 5, ठीक है। 1 के बाद आश्चर्य लगा देंगे, 58.8 मुरब्बा सम ये हमारा जवाब रहेगा। ये क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ये हमारा जवाब रहेगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3 बचा है, उसको सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद में ये हमारा आज का लेक्चर जो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 हमारा है कि एक माचिस की डिबिया की लंबाई 4 सम, चौड़ाई 2.5 सम, ऊंचाई 1.5 सम है, उसको बाहर से रंगीन कागज़ चस्पा करना है, तो कुल कितना कागज़ हमको लगेगा। प्यारे बच्चों यहाँ सवाल को थोड़ा सी घुमा कर पूछा गया है, सवाल में सिर्फ ये पूछा गया है कि एक जो माचिस की डिबिया है उसका हमको रकबा मालूम करना है, और माचिस की डिबिया जो रहती है मुस्ततील नुमा रहती है, वो मुरब्बा नुमा नहीं रहती है वो। तो हम जो है मुस्ततील की कुल सतह का रकबे का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो मकब नुमा की कुल सतह का रकबा, ठीक है, उसका फार्मूला हमको पता है, 2 ज़र्ब लंबाई ज़र्ब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़र्ब लंबाई, ठीक है। ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, फार्मूला अगर हमको याद नहीं है तो हम ये सवाल हल कर ही नहीं सकते प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पर जो भी फार्मूला आपको लिखा रहा हूँ, तमाम बच्चे फार्मूले को नोट डाउन करेंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे, फार्मूले के बगैर हम जो है इसको हल नहीं कर सकते इस तरह के सवालात को, तो फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम लोग कीमत को रखेंगे, लंबाई कितनी है 4 सम, ज़र्ब चौड़ाई कितनी है 2.5 सम, जमा चौड़ाई कितनी है 2.5 सम, ज़र्ब ऊंचाई कितनी है 1.5 सम, ठीक है, जमा ऊंचाई कितनी है 1.5 सम, ज़र्ब लंबाई कितनी है 4 सम, ठीक है। ये 4 सम थोड़ा ऊपर लिख दें, जगह नहीं मुझे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 4 को 2.5 से ज़र्ब देंगे तो हमको जवाब मिलेगा 10, कितना मिलेगा 10। अब 15 को 25 से हमको ज़र्ब करना है, तो समझना है यहाँ पर आश्चर्य नहीं है, तो 15 पंचे 75 के 5 हासिल आया 7, और 15 दूनी 30 और 7 37 लिख देंगे। इधर 1 के बाद आश्चर्य, तो 2 के बाद आश्चर्य लगा देंगे, ये 2 के बाद आश्चर्य लग गया, 3.75 जवाब आएगा। अब अगर हम 1.5 को 4 से ज़र्ब देंगे तो हमको जवाब मिलेगा 6, ठीक है। 15 चौक 60, 1 के बाद में आश्चर्य लगाएंगे तो सीफर की कोई कीमत नहीं रहती है, तो हमको जवाब मिल जाएगा 6। अब इसको जमा करना है, 6 में 10 मिलाएंगे 16, 16 में 3 मिलाएंगे 19, 19.75, तो 2 ज़र्ब 19.75, 19.75। इसको सही पढ़ने का तरीका जो है मेरे, थोड़ा गलती हो रही है मेरे से बोलने के अंदर, 19.75 इस तरह से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको ज़र्ब देने का प्यारे बच्चों को जवाब जो मिलेगा, 2 पंचे 10 के 0 हासिल आया 1, 2 7 14 और 1 15 के 5 हासिल आया 1, 2 9 18 और 1 19 के 9 हासिल आया 1, 2 1 2 और 1 3, 2 के बाद आश्चर्य लगा देंगे, तो 39.50 जो है ये हमको जो इसका रकबा मिल गया, ठीक है। इसका क्या मिला हमको, रकबा मिल गया, और उसकी जो जगह रहेंगी मुरब्बा सम। तो इतना सेंटीमीटर, 39.50 सेंटीमीटर का हमको कागज़ लगेगा इस तरह की माचिस की डिब्बी को हमको चस्पा करने के लिए, ठीक है। सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, सवाल में सिर्फ ये पूछा गया है कि एक माचिस की डिब्बिया जो है उसकी लंबाई 4 सम, चौड़ाई 2.5 सम और ऊंचाई 1.5 सम है, तो इसका हमको रकबा मालूम करना, रकबा मालूम हो गया तो हम आसानी के साथ में उस पर जो है कुल सतह का रकबा हमको मालूम हो गया, तो उतना ही कागज़ हम जो उसके ऊपर चस्पा कर सकते हैं, उस पर चस्पा जो है कर सकते हैं, तो ठीक है प्यारे बच्चों। तो लेक्चर नंबर 8 के साथ साथ हमारा जो सबक नंबर 12 इहाता और रकबा, ये भी हमारा प्यारे बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। एक जाते जाते एक आखिरी गुजारिश ये है आप तमाम बच्चों से कि हमारे चैनल को ज़रूर बा ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत मेहनत के साथ में आपको वीडियो यहाँ पर बनाकर पेश की जा रही है ताकि आपका फ़ायदा हो,
आप जितनी मेहनत करेंगे प्यारे बच्चों, तो उससे ज़्यादा खुशी हमको होगी कि हमारे ज़रिए से आप जो है अपनी ज़िंदगी में सेटल होंगे, कामयाब बनेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि इससे हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा तो आप इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेक्चर नंबर 8 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, सबक नंबर 12 भी हमारा जो है यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए वीडियो में जो है सबक नंबर 13 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।